सभी व्यूअर्स का वेलकम है YET की एडिटोरियल क्लास में। इस क्लास को मैं लेकर आता हूँ हिंदुस्तान के हर उस लड़के और लड़की के लिए जिसको ऐसा लगता है कि इंग्लिश में लॉजिक नहीं लगता है, और लॉजिक नहीं लगने की वजह से मैं इंग्लिश में अच्छा स्कोर नहीं कर सकता, या मैं ज़िंदगी में कभी इंग्लिश में अपना कॉन्फिडेंस नहीं पा सकती। इस मिथ को तोड़ने के लिए इस क्लास को मैं लाता हूँ। मैथमेटिक्स के लॉजिक की तरह मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा। बस शर्त मेरी इतनी है, आप इस वीडियो को पूरे फोकस के साथ एक सीटिंग में देखेंगे और साथ में एक नोटबुक और पेन को अपने हाथ में रखेंगे। मैं हर लाइन में से कॉन्सेप्ट्स निकालूंगा, क्वेश्चन निकालूंगा, आपके दिमाग को चलाने पे मजबूर करूंगा। अगर आप चलाते हैं ना तो मैक्सिमम बेनिफिट इस क्लास का आप निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं ओपन विद क्वेश्चन को अपने उस खास अंदाज के अंदर। आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहे ओपन विद कॉशन, खोल दो लेकिन के साथ, किसके? कॉशन के साथ, सावधानी के साथ। कॉशन तो आप जानते हैं ना, केयरफुलनेस, अलर्टनेस, सावधानी को कहते हैं अपने कॉशन। कह रहे जो भी खोलना है इकोनॉमी को, जैसे भी खोलना है आपको, बाजारों को खोलना है आपको पूरी सावधानी के साथ इस लॉकडाउन को। अब देखिए इसकी टाइटल पैराग्राफ से मालूम चलेगा क्या हमें कहना चाह रहा है। अ रिजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी is essential, but the vigil on the virus must remain. Correct, resumption जो है ना, एक जो शुरुआत है फिर से नई, resumption मतलब किसी चीज़ को, बंद पड़ी को फिर से शुरू करना, restart करना। तो correct, फिर से जो शुरुआत है ना, restarting का जो काम है, अच्छा किसका? ऑफ लगा के बताएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी का, आर्थिक गतिविधियों का। कह रहा है जो रिजम्पशन है ना, ये बड़ा है एसेंशियल, बड़ा है जरूरी। बट लेकिन जो विजिल है ना, जो सतर्कता है, जो वॉच है, जो निगरानी है, किस पे? इस वायरस पे। मस्ट रिमेन, उसको बने रहना चाहिए। आप जरूर खोलो, जरूरी है बाजारों को खोलना, लेकिन वायरस के ऊपर हमेशा निगरानी रखे रखना, ऐसा ना हो वायरस सब जगह फैल जाए इस लॉकडाउन के खुलने के बाद। सेंटेंस आप समझ गए। सेंटेंस की पहले वोकैबुलरी देखते हैं, फिर ग्रामर बताऊंगा आपको। रिज्यूम वर्ड से ही रिजम्पशन नाम का वर्ड बना है। रिज्यूम मतलब किसी चीज को शुरू करना, ये एक वर्ब है। रिजम्पशन इससे बन गया एक नाउन, किसी चीज की फिर से शुरुआत, इसको आप रिस्टार्ट भी बोल सकते हैं। विजिल बहुत अच्छा वर्ड है, इस वर्ड से मैं आपको बहुत सारे वर्ड्स बता सकता हूं। अगर आपने विजिल वर्ड को पकड़ा ना, सारे वर्ड्स आपके क्लियर हो जाएंगे। देखो विजिल का मतलब होता है वॉच करना, सर्वेलेंस करना, मॉनिटरिंग करना, ये तो इसके सिंपल सिनोनिम्स। अब विजिल से आप जो वर्ड्स हर रोज देखते हो वो कौन से हैं? विजिल से बना है विजिलेंस डिपार्टमेंट, ऐसा डिपार्टमेंट SSC के थ्रू आता है शायद, इसमें CVC की आती है ना, इंस्पेक्टर की पोस्ट। विजिलेंस डिपार्टमेंट है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, उसका काम यही होता है, उसको विजिल रखनी होती है पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑपरेशंस के ऊपर, है ना। क्या रखनी होती है? निगरानी रखनी होती है। तो विजिल से ही हमने बना दिया विजिलेंस, विजिलेंस डिपार्टमेंट। अच्छा विजिल से विजिलेंट नाम का एक एडजेक्टिव बनता है, अगर किसी नाउन, मैन, वुमन, चिल्ड्रन के आगे लगा दूं, उसका मतलब ये होगा विजिलेंट मैन, एक सतर्क आदमी। तो हर आदमी वो विजिलेंट मैन है जो सतर्क है, अपने चारों तरफ चीजों को ध्यान देता है। अब इससे एक और बढ़िया वर्ड बनता है विजिलेंट से, विजिलेंटी। इस पर ध्यान देना, मैंने क्या किया, विजिलेंट के आगे लगा दिया है एक ई। अब ये कौन आदमी है विजिलेंटी? ये वो आदमी या औरत है जो कानून को अपने हाथ में ले ले सच की लड़ाई के लिए। मतलब इसको लगता है ना कहीं पे चोरी हो रही है, तो ये उस चोर को पकड़ के थाने में नहीं ले जाएगा, ये उस चोर को वहीं पकड़ के मारेगा और उसकी सजा उसको दे डालेगा। विजिलेंटी कौन था? अगर आपने बैटमैन की मूवीज देखी हो, DC कॉमिक्स की, बैटमैन इज कॉल्ड ए विजिलेंटी, क्योंकि शहर भर में घूम करके वो चोरों को वहीं पे सजा दे देता था उनके क्राइम्स की, जो भी क्रिमिनल उसको मिलते थे। तो विजिलेंटी आप समझ गए ना, जो मॉब जस्टिस करे, कानून की मदद लिए बिना ही जस्टिस करने की कोशिश करे, ऐसा हमारा नागरिक। अब आएंगे सेंटेंस की ग्रामर के ऊपर। अक्सर ऐसा देखा गया है जो वीक स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश से डरते हैं, उनमें एक चीज़ कॉमन पाई जाती है, वो क्या होती है? किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट और वर्ब पकड़ने में उनको होती है बड़ी कन्फ्यूजन, बहुत डिफिकल्टी लगती है उनको, सब सेंटेंस का सब्जेक्ट और वर्ब नहीं बता पाते वो। अगर इस कमजोरी को अपने दूर कर दें, अपने दूसरी अप्रोच ले रहे हैं ना, अपने इस कमजोरी पे काम करें, तो आप वीक नहीं रहोगे। एज ए टीचर मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, सारे सब्जेक्ट्स मैंने ग्रीन में डाल दिए हैं, पूरे एडिटोरियल के सारी वर्ब्स मैंने पिंक में डाल दिए हैं, मेरे साथ आप फॉलो करते जाएंगे। आप 15-20 दिन इस एक्सरसाइज को करेंगे ना, आपका दिमाग सबकॉन्शियसली सब्जेक्ट और वर्ब को पकड़ना शुरू कर देगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग वैसी हो जाएगी जैसे आप चाहते हो, ठीक है ना। तो वीकनेस पे काम करने के लिए आपकी इस एक्सरसाइज को मैं हर रोज़ टाइम निकाल के करता हूँ। अब मैं आपके 5 मिनट लूँगा, 2 मिनट 3 मिनट, आपको दिखाऊंगा
कैसे हर वर्ड को उसकी औकात बताई जा सकती है इंग्लिश के अंदर मैथ्स के फॉर्मूलाज की तरह। ये सेंटेंस है अ रिजम्पशन, कैसे शुरू हो रहा है, एक आर्टिकल से, ए आर्टिकल होता ना, ए एन दी, किसके पहले आते हैं सर, नाउन्स के पहले आते हैं, रिजम्पशन एक नाउन भी है, तो अ रिजम्पशन जो है हमारा सब्जेक्ट होगा इस सेंटेंस का। कैसे पता लगा मुझे सब्जेक्ट है, ना तो इससे पहले कोई प्रपोजिशन आ रही है, ना इससे पहले कोई वर्ब आ रही है, अगर दोनों में से कोई भी आ रहा होता ना तो ये रिजम्पशन उससे बाइंड हो जाता, तो अगर ये बाइंड हो जाता तो हमारा सब्जेक्ट बनने के लिए इसके पास कोई स्कोप नहीं था, नहीं आने की वजह से मैं बोलूंगा ये हमारा सब्जेक्ट है। अच्छा, उसके बाद क्या आई है, ऑफ प्रपोजिशन, ऑफ प्रपोजिशन क्या लेगी अपने बाद, सर कोई भी प्रपोजिशन हमारे बाद हमेशा अपने बाद एक नाउन प्रोनाउन या जेरेंड को लेगी एक ऑब्जेक्ट बना करके अपना, तो ऑफ ने ले लिया इकोनॉमिक एक्टिविटी नाम के नाउन को अपना ऑब्जेक्ट, जिसमें इकोनॉमिक एक एडजेक्टिव, एक्टिविटी एक नाउन, ठीक है ना, तो ऑफ प्रपोजिशन से इकोनॉमिक एक्टिविटी नाम का नाउन जुड़ गया, हमारा सब्जेक्ट ये नहीं है, हमें पता लग गया। इज आइए, अकेले आइए, जब जब बी फैमिली की वर्ब अकेले आएगी वो बन जाएगी लिंक वर्ब, उसके बाद एक नाउन या एक एडजेक्टिव दोनों में से कोई भी आ सकता है, वो करेगा क्या, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से मिलवाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन होएगा, जो इसके बाद इमीडिएटली बाद आने वाला है, तो अ रिजम्पशन जो है ना वो है एसेंशियल, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, एक दूसरे की पूरक हैं, इसीलिए इनको बोलेंगे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, लिंकिंग वर्ब का यही काम होता है। पूरा मैं पूरा का पूरा मैथमेटिक्स की फॉर्मूला की तरह चल रहा हूँ आपके सामने। आ गया ये बट नाम की कंजंक्शन, कंजंक्शन आई है तो सर दूसरा क्लॉज शुरू होगा, एक नया सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आ गया विजिल नाम का नाउन, ये किसी वर्ब से नहीं बना हुआ, किसी प्रपोजिशन से नहीं बना हुआ, देखते ही मुझे पता लग गया बट कंजंक्शन के बाद एक नया क्लॉज शुरू हो रहा है, एक नया जो है ना सब्जेक्ट वर्ब आएगा। ऑन प्रपोजिशन आई, इसका ऑब्जेक्ट हो गया वायरस नाम का ये वाला नाउन, मस्ट और रिमेन जो है हमारी हेल्पिंग और मेन वर्ब, कैसे पता लगा, मस्ट एक मॉडल वर्ब है, हमेशा अपने बाद वर्ब का बेनिफिटिव लेगी, रिमेन नाम का बेनिफिटिव इसने ले लिया, मॉडल वर्ब कभी भी हेल्पिंग वर्ब के अलावा कुछ और बनी नहीं सकती, देखते ही मुझे पता लग जाएगा, कुड वुड शुड मस्ट हमेशा मॉडल वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। हर चीज का फॉर्मूला है इंग्लिश में, अगर आप डरते हैं आज भी इंग्लिश से, मैं हाईली रेकमेंड करूंगा मेरी ग्रामर सीरीज को फॉलो करें, 12 से 15 घंटे के अंदर अनपढ़ आदमी को भी इंग्लिश सिखा सकता हूं मैं, जिसने 7वीं 8वीं पास की है ना, थोड़ा बहुत बेसिक भी जानता लिखना पढ़ना, उसको मैं एग्जाम लेवल की इंग्लिश सिखा सकता हूं, एसएससी और बैंक्स की, आप फॉलो कर सकते हैं, तो जाएं चैनल पे, टोटल इंग्लिश ग्रामर बाय YED होम पेज पे रखी है अपने, है ना, ये वाली प्लेलिस्ट अगर आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा ये सब चीज़ें मैथमेटिक्स की तरह चलती हैं, इंग्लिश में आप भी सीख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, एक छोटी सी समरी दे देता हूँ मैं आपको 20 सेकंड्स में, आपको पता लग जाए आप क्या पढ़ रहे हो। कह रहा है रिजम्पशन तो होना ही था इकोनॉमिक एक्टिविटी का, लॉकडाउन को तो खुलना ही था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वायरस चला गया है, आपको वायरस पे पूरी निगरानी रखनी है, क्योंकि अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी खुलने के बाद, लोगों की आवाजाही शुरू होने के बाद आपने वायरस पर ध्यान नहीं रखा ना, एक वक्त ऐसा आएगा जब पूरे हिंदुस्तान को ये निकल जाएगा, तो इस चीज़ का आपको खूब ध्यान रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग पब्लिक डिस्टेंसिंग आपको बनाए रखनी है, टेस्टिंग को ऊपर करना है, ऊपर लाना है, छूट आपको सरकार ने दी है लॉकडाउन से, वायरस ने आपको छूट अभी तक नहीं दी है, बस ये इसकी समरी है। कोशिश करें इसको 5-6 सेंटेंसेस के अंदर लिख करके कमेंट सेक्शन में डालने की, आप डिटेल में मेरे साथ देखेंगे, ये तो मैंने आपको सिर्फ ना देसी भाषा में बता दी है, तो पूरा पढ़ें और कमेंट सेक्शन में एक समरी को लिखें इंग्लिश में, लिखने से आपकी इंग्लिश की राइटिंग स्किल्स बेहतर बनती है। चलिए शुरू करें, इट इज़ अ ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड नाउ दैट द सीवियर रिस्ट्रिक्शंस टू कंटेन COVID-19 प्रोड्यूस्ड ट्रॉमेटिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वीकेस्ट सेक्शंस व्हाइल द चेक ऑन द इन्फेक्शन स्प्रेड वॉज मॉडेस्ट। ध्यान से पढ़ना बहुत ईजी है, करें इट इज, ये है अ ट्रूथ, एक सच्चाई। अच्छा कैसी सच्चाई, यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड, जिसको पूरी दुनिया मानती है ना, यूनिवर्सली मतलब हर जगह, एक्नॉलेज मतलब मानी गई। अच्छा कब, नाउ, अब मानती है। अच्छा ये ट्रूथ क्या है, वो ये है कि दैट कि जो सीवियर रेस्ट्रिक्शंस है ना, जो बड़े ही कड़े प्रतिबंध हैं, बड़े ही जो है सख्ती से लगाए हुए लॉकडाउन है, कंटेन करने के लिए, रोकने के लिए, किसको, COVID-19 को, करें रेस्ट्रिक्शंस है ना, प्रोड्यूस कर दिया इन्होंने, पैदा कर दिया बहुत ही ट्रॉमेटिक डिस्प्लेसमेंट को, बहुत ही पेन भरी डिस्प्लेसमेंट को, किसके लिए, वीकेस्ट सेक्शंस के लिए, सबसे कमज़ोर वर्गों के लिए। डिस्प्लेसमेंट बाद में बताऊंगा, पहले इसको पढ़ते जाएं, सबसे कमज़ोर वर्गों के लिए पैदा कर दिया। अच्छा कब, कह रहे वाइल, जब जो चेक था, जो कंट्रोल था इन्फेक्शन के फैलाव पे, वो था मॉडेस्ट, ना बहुत ज़्यादा था ना बहुत कम था। सेंटेंस को समझें, सब मानते हैं इस चीज़ को कि रिस्ट्रिक्शन जो आई है ना इस COVID-19 को कंट्रोल करने वाली,
इन्होंने बहुत ही पेनफुल तरीके से डिस्प्लेस कर दिया है समाज के सबसे गरीब सबसे वीक वर्गों को। जबकि इसका जो जो चेक था ना, जो कंट्रोल थे इस फैलाव पे इन्फेक्शन के, वो बहुत कम रहे हैं, ज़्यादा हम कर नहीं पाए कंट्रोल इसको। समझ गए सेंटेंस को? सब्जेक्ट वर्ब का खेल है, आप देखो सब्जेक्ट वर्ब जिसने पकड़ा बहुत ईजी है उसके लिए सेंटेंस। सेंटेंस की ग्रामर आप उसमें कुछ है नहीं, आगे देखेंगे। पहले इसकी पहले देख लेते हैं वोकैबुलरी। ट्रोमेटिक क्या होती है? फुल ऑफ ट्रोमा। अच्छा ट्रोमा क्या होता है? पेन या डिफिकल्टी। ट्रोमा के मरीज वो जो मरीज होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है ना, एक्सीडेंट का मरीज होता है, अचानक से इसको इमरजेंसी के अंदर कोई डॉक्टर की जो है चाहिए होती केयर, उसको कहते हैं ट्रॉमेटिक जो है पेशेंट्स। ट्रॉमा का मतलब ये भी होता है आप बहुत ज़्यादा जो है ना मेंटल डिप्रेशन से निकल रहे हो, वो भी ट्रॉमा होती है। तो ट्रॉमा का मतलब यही समझे, फिजिकल या मेंटल पेन या डिफिकल्टी इज कॉल्ड ट्रॉमा। तो ऐसी ट्रॉमेटिक डिस्प्लेसमेंट से निकले हैं हमारे वीक लोग, वीक सेक्शंस। अभी डिस्प्लेसमेंट क्या है? प्लेस मतलब जगह, डिस मतलब इसका मैंने बना दिया क्या जो है एंटोनिम। अगर आप किसी को प्लेस कर रहे हो तो उसको अपनी जगह पे रख रहे हो, डिस्प्लेस कर रहे हो तो उसको अपनी जगह से हटा रहे हो। हमारे वीकेस्ट सेक्शन अभी डिस्प्लेस हो रहे हैं, उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, जाने के लिए ट्रेन नहीं है, समझ गए ना? तो ये होती है इनकी ट्रॉमेटिक डिस्प्लेसमेंट, कोई रहने का इनके पास ठिकाना नहीं है। बढ़ेंगे आगे, चेक वर्ड को नोट करें, कंट्रोल करना, रिस्ट्रिक्शन करना, इसी कहते हैं चेक करना। कर द सेंटेंस मूव फॉर अ फेस्ड अनलॉकिंग ऑफ पब्लिक एक्टिविटी आफ्टर द रिग्रेस लॉकडाउन सिंस मार्च 25 सेट्स द स्टेज फॉर पीपल टू रेज्यूम देयर जॉब्स। सेंटर का जो मूव है ना, सेंटर की जो हरकत है, और किसकी? एक फेज्ड अनलॉकिंग की। फेज मतलब चरण बाय चरण है ना, एक फेज बाय फेज, और अनलॉकिंग आप जानते हैं किसी चीज़ का ताला खोलना। सेंटर की जो हरकत है ना, एक एक करके अनलॉक करने की पब्लिक की एक्टिविटी को, लोगों की गतिविधियों को। अच्छा किसके बाद? इस रिग्रेस लॉकडाउन के बाद, इस बहुत ही सख्ती से लगाए हुए लॉकडाउन के बाद। और कब से लगा हुआ था ये? सिंस मार्च 25, तब से लगा हुआ था। करें जो मूव है ना, अब इसकी वर्ब आ गई सेट्स। ये मूव सेट कर देती है स्टेज को, ये मूव पूरा माहौल बना रही है। किस काम का? लोगों के लिए बना रही है रिज्यूम करने का, अपनी जॉब्स को, अपनी नौकरियों को। अच्छा और क्या काम करने का? अंडरटेक करने का सम ट्रेवल, थोड़ी सी ट्रेवल को अपने अंडरटेक करने का, अपने नीचे लेने का। सेंटेंस का मैंने लिटरल मीनिंग बताया, सारे पीसीस को जोड़ के इसका एक्चुअल मीनिंग बताता हूँ। सेंटर का जो मूव है ना, एक के बाद एक फेजेस के अंदर अनलॉक करने का पब्लिक एक्टिविटी को, इस लॉकडाउन के बाद जो बड़ा एग्जॉस्टिव, बड़ा रिग्रेस, बड़े सख्त था और लगा हुआ था अप्रैल मार्च 25 से, ये जो मूव है ये स्टेज को सेट कर रहा है, पूरा माहौल बना रहा है, पूरी तैयारी कर रहा है ताकि लोग रिज्यूम कर पाएँ अपनी नौकरियों को, फिर से शुरू कर पाएँ और कर पाएँ थोड़ी सी ट्रेवल को। अंडरटेक करने का मतलब क्या है? किसी चीज़ को अपने नीचे लेना या किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करना, थोड़ी सी ट्रेवल को अपना एक्सपीरियंस कर पाएँ। समझ गए सेंटेंस को? सेट द स्टेज, इस फ्रेज को समझें। जब भी आप सेट द स्टेज करते हैं ना, आप किसी चीज़ के लिए माहौल बना रहे हैं, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। जैसे आपकी शादी है, कोई स्टेज को सेट कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? आपकी शादी का माहौल बना रहा है, कर रहे हो, समझ रहे हो ना मेरी बात? कोई फंक्शन है, जो आदमी स्टेज को सेट कर रहा है एक्चुअल में उस फंक्शन के लिए माहौल बना रहा है, एक जो है ना स्टेज को, पॉडियम को सेट करके। तो याद रखें इसको, सेट द स्टेज मतलब किसी चीज़ की तैयारी करना। रिग्रेस का मतलब होता है जो चीज़ बड़ी सख्त हो, बड़ी स्ट्रिक्ट हो, बड़ी एग्जॉस्टिव और डिटेल्ड हो, उसको कहते हैं रिग्रेस। इसे एक बहुत अच्छा सिनोनिम है स्ट्रिंजेंट, है ना? रिग्रेस और स्ट्रिंजेंट का मतलब एक ही होता है, पर स्ट्रिंजेंट से मिलता जुलता एक वर्ड है स्ट्राइडेंट। अब इसके और इसके अंदर है ना, आपको खुद को करना है डिफरेंस। मैं बता दूंगा पर बताने से याद नहीं रहेगा आपको, एक बार आप डिक्शनरी खोलो, नेट पे कहीं पढ़ो स्ट्राइडेंट का मतलब क्या होता है और स्ट्रिंजेंट का मतलब क्या होता है। एक जैसे दिखते हैं, ऐसे शुरू होते हैं, दोनों में टी आ रहा है, दोनों में आर आ रहा है, आप इनमें कंफ्यूज 100% हो गए। तो कोशिश करें जरूर से दोनों वर्ड्स को देखने की, स्ट्राइडेंट वर्ड को जरूर देखें, कमेंट में डालें अगर आपको पता है तो पहले से। करें द अनलॉक वन प्लान शुड एंश्योर अ केयरफुल रीस्टार्टिंग ऑफ एक्टिविटीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड एवरीडे सर्विसेज इंक्लूडिंग हेल्थ सर्विसेज अनरिलेटेड टू COVID-19 इन्फेक्शन। कह रहा है जो अनलॉक वन प्लान आया ना, जो मोदी साहब का अनलॉक वन क्यों बोल रहे हैं, अभी फर्स्ट फेज आया अनलॉक करने का। कह रहे इस प्लान को इंश्योर करना चाहिए, पक्का करना चाहिए एक केयरफुल सी रीस्टार्टिंग को, फिर से शुरुआत करने के काम को, और कैसे? बड़ी केयर के साथ, बड़ी सावधानी के साथ, और किसका? एक्टिविटियों का, गतिविधियों का। कह रहे जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच क्या है, डिलीवरी है गुड्स और एवरीडे सर्विसेज की, जिसमें शामिल है, इंक्लूड क्या शामिल है उसमें,
हेल्थ सर्विसेज शामिल हैं जो बिल्कुल रिलेटेड नहीं है कोविड 19 के इन्फेक्शन के साथ। तो कह रहे हैं अब ये अनलॉक प्लान के अंदर यही देखना है, सारे के सारे फ्लिपकार्ट मिंत्रा काम करने लगे और आपको अगर कोविड के अलावा कोई बीमारी हो तो फटाफट से आपको डॉक्टर अवेलेबल हो अनरिलेटेड डिजीज के लिए कोविड 19 इन्फेक्शन के साथ। चलो सेंटेंस की इसमें देखो ग्रामर ही आई है, वोकैबुलरी कुछ नहीं है। ग्रामर को फटाफट से मैं आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट अपना आज का। फटाफट से चार सेंटेंसेस को आप पहले खुद सॉल्व करके बताएंगे मुझे, तीन सेंटेंसेस इनमें क्या एरर है, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ आज का। चलिए, ढीठ मत बनना, बुरा भी मत मानना सर ने ढीठ बोल दिया। नहीं करोगे ना तो मैं लिख करके दे रहा हूँ, मैं तैयार हूँ लिख करके देने को। अगर आप इस पे पढ़ने आए हो चैनल पे और कोशिश नहीं कर रहे हो तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। अभी मैथ्स और रीजनिंग वाला ज़माना गया, जिसका अच्छा हुआ करता था उसको नौकरी मिल जाती थी आज से 15 साल पहले, आज की डेट में नहीं मिलती है। इंग्लिश और जीएस को भी साथ लेके चलना है, कोशिश कर लेना भाई, नहीं तो आप अपने भरोसे हो, मैं आपके घर आकर के आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा। चलो कॉन्सेप्ट बताने से पहले फटाफट से चलो कॉन्सेप्ट को अपने ना वैसे देखते हैं, लाइव ही देखते हैं अपने सेंटेंसेस के जरिए। अजय द कजिन ऑफ होम इज एन एक्टर इज स्टडिंग इन यूएसए। अजय जिसका कजिन एक एक्टर है, कजिन ऑफ होम जिसका कजिन एक एक्टर है वो स्टडी कर रहा है अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर। इसी सेंटेंस को लिखने का एक और तरीका है, अजय हुज कजिन इज एन एक्टर इज स्टडिंग इन यूएसए। मैंने किया क्या यहाँ पे, ऑफ होम है ना, ऑफ होम, इसको मैंने लिख दिया हुज। देखो ये हु की वर्ब है, हु की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है होम, ये हु का पजेसिव कैसा हुज, मतलब दोनों हु से बने हैं। तो ऑफ होम जो बनता है ना उसको अपने हुज भी बोल सकते हैं। तो अजय द कजिन ऑफ होम की जगह मैं लिख सकता हूँ अजय हुज कजिन इज एन एक्टर, समझ गए ना। इन दोनों सेंटेंसेस का, इन दोनों फ्रेजेस का मतलब एक ही है, देखो इसका और नीचे वाले का जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ अभी। अब इस पर ध्यान देना मैंने किया क्या है, ऑफ होम को मैंने बदल दिया हुज में और इसकी पोजीशन भी चेंज कर दी, कजिन से पहले ले आया। अगर मुझे ऑफ होम रखना था तो कजिन के बाद लाना था, और अगर मुझे हुज रखना है तो कजिन से पहले लाना है। अच्छा सर इस द का क्या हुआ, द का एक रूल सीधा सा ये है, जब भी आपके पास पजेसिव केस आ जाए माई देयर अवर राम्स हुज तब उसके बाद कभी भी द नहीं लगता। तो इस केस में मुझे द लगाना है, हटा देना है, और इस केस में मुझे द जरूर लगाना है। अगर आप इतना समझ गए ना, इसको रिपीट कर लेना पिछले 20 सेकंड्स को, इसी में अपना कॉन्सेप्ट छुपा है आज का। इतना समझ गए तो अगले सेंटेंस को देखो, इसमें आपको कॉन्सेप्ट लगा के दिखाता हूँ। लिली हुज ओनली ड्रीम इज टू सी द वर्ल्ड हैज एम्बार्क्ड ऑन अ वर्ल्ड टूर। लिली जिसका अकेला ऐसा ड्रीम है वर्ल्ड को देखने का, मतलब उसका सिर्फ एक ही ड्रीम है दुनिया को देखूं। हुज ओनली ड्रीम क्या है, दुनिया को देखने का। उसने एम्बार्क ऑन कर दिया है, उसने शुरुआत कर दी है एक वर्ल्ड टूर की, है ना, वर्ल्ड टूर में जाकर के उसने एनरोल कर दिया, शुरू कर दिया। देखो वैसे ही मैंने लिली के लिए लगा दिया हुज। अब अगले सेंटेंस को देखो, द स्पोर्ट्स कार हुज इंजन इज पावरफुल वॉज सोल्ड फॉर 1.5 मिलियन। स्पोर्ट्स कार जिसका इंजन बहुत पावरफुल है उसको सेल किया गया $1.5 मिलियन के अंदर। अब इस सेंटेंस में आ गई एरर, क्यों, क्योंकि ये हु का ऑफ होम का हुज बनता है, होम लगता है इंसानों के लिए, कजिन के लिए हमने होम लगाया था, है ना, अजय के लिए हमने होम लगाया था, लिली के लिए हमने होम लगाया था, इन लोगों के लिए तो लगाया था हमने, पर अब यहाँ पे स्पोर्ट्स कार के लिए ऑफ होम का हुज नहीं बना सकते। अच्छा इसके लिए क्या करें सर, इसको आप ऑफ ऑफ विच लिख के छोड़ दो, क्योंकि इन चीज़ों के लिए तो अपने विच लगाते हैं, जिन जो चीज़ें इंसानें नहीं होती हैं, जो चीज़ें जानवर होती हैं या इनएनिमेट होती हैं। अच्छा दूसरी चीज़ क्या, ऑफ विच से काम नहीं चलेगा, इस ऑफ विच को हटा करके एंजिन के बाद लाना पड़ेगा, जैसे ऑफ होम को कजिन के बाद लाए थे, ठीक है ना। अच्छा तीसरी चीज़, जैसे कजिन के पहले द आया था ना वैसे एंजिन के पहले भी द आएगा, समझ गया। सेंटेंस को कैसे बनाया मैंने, हमने इसमें हुज लिख दिया था, हुज जो है ना स्पोर्ट्स कार के लिए नहीं आ सकता, अगर स्पोर्ट्स कार के लिए हुज नहीं आ सकता तो क्या आएगा सर, इसके लिए आएगा ऑफ विच। जैसे ऑफ होम आता था, हुज का दूसरा नाम था ऑफ होम, हमने यहाँ पे ऑफ विच कर दिया, हु का होम होता है, विच का विच ही रहता है। अच्छा सर ऑफ विच तो ठीक है, पर इस ऑफ विच को एंजिन के बाद लाना पड़ेगा, इससे पहले नहीं ला सकते। दूसरा क्या, एंजिन से पहले दौ लेकर के आना है, आपने बिल्कुल यही स्ट्रक्चर है ना ऐसी यहाँ पे बना डाली, समझ गए ना। यहाँ बनी थी अजय के लिए ऑफ होम लग के, यहाँ बनी है स्पोर्ट्स कार के लिए ऑफ विच लग के, बस यही अपना कॉन्सेप्ट है। जहाँ जहाँ इन एनिमेट चीज़ों के लिए आपको हुस लगा हुआ मिले आपको बदल देना है उसको ऑफ विच में, और उसकी पोजिशन को चेंज कर देना है बाद में ले आना उसको, और जहाँ से आप हटा रहे हो उसकी जगह पे एक द को लगा देना है, समझ गए ना। अगला देख लो, वी विजिटेड रोम अ सिटी हुज आर्किटेक्चर इज वर्ल्ड रेनॉन। हमने रोम को विजिट किया जो कि एक ऐसी सिटी है
जिसका आर्किटेक्चर वर्ल्ड रेनॉन है, पूरी दुनिया उसके आर्किटेक्चर को जानती है। हुज लगा किसके लिए? सिटी के लिए, है ना। सिटी का आर्किटेक्चर, सिटी इनएनिमेट है, हुज नहीं आ सकता, क्या करूं इसको बदल देता हूं ऑफ विच में। अच्छा दूसरी चीज़ क्या, इसकी पोजीशन आ जाएगी आर्किटेक्चर के बाद, आर्किटेक्चर ऑफ विच। तीसरा काम क्या, आर्किटेक्चर से पहले जहाँ से हु उठाया है वहाँ हम लगा देंगे द को, द आर्किटेक्चर ऑफ विच इज वर्ल्ड रेनॉन। आई थिंक समझ गए होंगे आप। अब एक चीज़ आपको इतना तो समझ गए, एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं आपको। अभी आप वीडियो को पॉज करो, मुझे बताओ नो, नोन और अननोन कैसे लिखा जाता है। आप जानते हो ना नो, किसी चीज़ को जानना, के एन ओ डब्ल्यू। तो नो की स्पेलिंग मैंने आपको बता दी, अननोन की स्पेलिंग क्या बनती है फटाफट बताना मुझे, फिर कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको फटाफट। चलो ये आया हुआ क्वेश्चन है, नो को लिखा जाता है ऐसे, है ना, के एन ओ डब्ल्यू, और नोन को लिखा जाता है के एन ओ डब्ल्यू एन, और अननोन को लिखा जाता है यू एन के एन ओ डब्ल्यू एन। इतना आप जानते हो ना। फिर रिनाउन को क्या लिखते हैं हम, रिनाउन को क्या लिखना चाहिए, जो चीज़ सब जानते हैं बार बार जानी जाती है, रिनाउन, है ना, ऐसे लिखना चाहिए ना, आर ई के एन ओ डब्ल्यू एन। पर ये स्पेलिंग गलत होती है, ये रिनाउन की स्पेलिंग में हम इस के को मिस कर देते हैं। तो वर्ड रिनाउन है ना, सारी दुनिया जिसको जानती है उस चीज़ के अंदर बीच में के नहीं आएगा, रिनाउन की स्पेलिंग में के को आप हमेशा निकाल करके चलाते हैं। चलो इतना सीख गए, तो फटाफट से अपना कॉन्सेप्ट भी आप सीख गए आज का। तीन क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूँ इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हैं, थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं, मैंने इनको जानबूझ करके बड़ा रखा है ताकि आप कन्फ्यूज्ड हों। कोशिश करें आप इन क्वेश्चंस के अंदर इन्हीं एरर्स को पकड़ के आपको कॉन्सेप्ट को सही बिठाना है। सवाल के जवाब मिलेंगे फर्स्ट कमेंट में, एक डेढ़ दो घंटे के बाद। साथ ही साथ इंस्टा पे आप फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं हाथों हाथ आंसर्स को अपडेट कर देता हूँ क्विज के। इंस्टा फॉलो करते हो अगर आप, तो इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लेना, नहीं तो यहीं पे आपको मिल जाएंगे फर्स्ट कमेंट के अंदर आपके आंसर्स। बढ़े आगे फटाफट से, चलो जस्ट अ मिनट। हाँ, कर लेटेस्ट डेटा सिंस द वायरस सरफेस इन द कंट्री शो दैट 13 सिटीज इंक्लूडिंग सम ऑफ द बिगेस्ट मेट्रोस होस्ट 70% ऑफ केसेस। कह रहा लेटेस्ट जो डेटा आया है ना, सबसे नया जो डेटा आया है, सबसे जो है लेटेस्ट है, सिंस कब से, जब से वायरस सरफेस हुआ कंट्री में, जब से वायरस निकल करके आया पूरे देश में। कह रहा है डेटा हमें शो करते हैं, दिखाते हैं दैट वो क्या, 13 सिटीज जो है ना, कह रहा जिसमें शामिल है कुछ एक बिगेस्ट मेट्रोस, है ना, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर। कह रहा 13 सिटीज है ना होस्ट करती हैं, रखती हैं 70% ऑफ केसेस को। कह रहा और एंड मैनी ऑफ देयर अर्लियर रिस्ट्रिक्शंस विल कंटिन्यू देयर, और कह रहा ज़्यादातर उनकी अर्लियर रिस्ट्रिक्शन जो है ना, पुरानी जो उन पर पाबंदियाँ लगी हुई हैं वो कंटिन्यू होंगी वहाँ पे। तो 13 सिटीज के अंदर 70% केस हैं, और ज़्यादातर उनकी जो है ना सारी की सारी पाबंदियाँ चलेंगी क्योंकि इनमें कंटेनमेंट जोन्स बने हुए हैं। सेंटेंस में देखने वाली चीज़, डेटा सिंगुलर नहीं प्लूरल होता है, इसके लिए इसके साथ अपने वर्ब क्या लगाते हैं, हमेशा प्लूरल वर्ब को। तो शो आ रहा है, शोज नहीं आ रहा है क्योंकि डेटा है, सिंगुलर डेटम होता तो मैं लगा देता शोज को, समझ गए ना, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। दूसरी चीज़ और कुछ है नहीं इसमें ग्रामर में, सब्जेक्ट वर्ब आपने पकड़ लिया है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे रिटेनिंग कर्ब्स ऑन द बिग गैदरिंग्स सच एज इन रिलीजियस प्लेसेस इज रीजनेबल गिवन द हिस्ट्री ऑफ दीज साइट्स अनविटिंगली बिकमिंग सुपर स्प्रेडर्स। कह रहे रिटेन करने का काम है ना कर्ब्स को, कर्ब क्या होती है, पाबंदियाँ, कंट्रोल्स, और रिटेन करना होता है किसी चीज़ को बनाए रखना। तो कह रहे बनाए रखने का काम जो है ना पाबंदियों पे, और किस पे, बड़ी गैदरिंग्स पे, बड़े जमावड़ों पे, गैदरिंग मतलब जमावड़ा, जैसे कि सच एज, जो कि होती है रिलीजियस प्लेसेस पे, इन रिलीजियस प्लेसेस। कह रहे ये जो काम है ना बड़ा ही रीजनेबल है, बहुत ही सही काम किया है इन्होंने। अच्छा क्यों, गिवन जो दिया गया देखते हुए, गिवन अच्छा किस चीज़ को, द हिस्ट्री ऑफ दीज साइट्स, इन साइट्स की हिस्ट्री को, इन साइट्स के इतिहास को, और कैसे, अनविटिंगली बिकमिंग सुपर स्प्रेडर्स, इनके जाने अनजाने बन जाने के सुपर स्प्रेडर्स नाम की चीज़ को। तो कह रहे हैं बड़ी गैदरिंग को आपने सही किया रोक करके, जैसे कि रिलीजियस प्लेस पर होती है, बिल्कुल रीजनेबल है क्योंकि हमारे पास एक हिस्ट्री है इन्हीं साइट्स के जाने अनजाने सुपर स्प्रेडर्स बन जाने की, इशारा दे रहा है जमात के ऊपर, जैसे वहाँ रिलीजियस प्लेस पे जो जमावड़ा हुआ था, जाने अनजाने उसने सुपर स्प्रेडर का काम किया है इस डिजीज के लिए पूरे देश में। गिवन क्या होता है, जहाँ भी आ जाए उसका मतलब आप ऐसा समझें, जो दिया गया देखते हुए, है ना, गिवन का मतलब ये होता है इस चीज़ को देखते हुए। आगे बढ़ते हैं, कह रहे बट लेकिन स्टेट्स मस्ट शो डिलिजेंस इन एक्टिवली टेस्टिंग एंड क्वारंटाइनिंग इंडिविजुअल्स इन सिटीज। लेकिन स्टेट्स को फॉलो करना चाहिए बहुत ही सिंसियरिटी को, बहुत ही सीरियसनेस को, फुल हार्टेडनेस को, किस चीज़ में,
एक्टिवली टेस्ट करने में और क्वारंटाइन करने में, अच्छा किनको, लोगों को, अच्छा कहाँ पे, सिटीज़ के अंदर, शहरों में, अच्छा कौन से सिटीज़ में, विद हाई इंसिडेंस टू सिग्निफिकेंटली कंट्रोल द स्प्रेड, ऐसी सिटीज़ में जिनमें बहुत ज़्यादा इंसिडेंस है, जिनमें बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है वायरस के पाए जाने की। इंसिडेंस मतलब क्या है, यहाँ पे वायरस के पाए जाने की घटनाएं जो हैपनिंग्स है बहुत ज़्यादा होती हैं। तो कह रहे हैं हाई इंसिडेंस वाली सिटीज़ में करना है, और क्यों, सिग्निफिकेंटली कंट्रोल करने के लिए इस वायरस के स्प्रेड को, समझ गए ना। तो स्टेट्स को पूरी सावधानी, सावचेती, जो सिंसियरिटी दिखानी है, फटाफट टेस्ट करते जाएं और क्वारंटीन करते जाएं लोगों को जिनको कोरोना मिले। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हाफ हार्टेड अप्रोचेस टू इंप्लीमेंटिंग द मेजर्स मैंडेटेड बाय द नेशनल डायरेक्टिव फॉर कोविड 19 मैनेजमेंट सच एज दोज ऑन फेस कवर, फिजिकल डिस्टेंसिंग इन पब्लिक प्लेस एंड शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट, स्पीटिंग एंड गैदरिंग इन लार्ज नंबर्स कैन ओनली वर्सन द क्राइसिस। कह रहे जो हाफ हार्टेड अप्रोच है ना, जो आधे अधूरे मन से किया हुआ काम है, अप्रोच है, और किस काम की, इम्प्लीमेंट करने की मेजर्स को, है ना, लगाने की इन कदमों को, और कौन से कदम, जिनको जरूरी बनाया गया, मैंडेट किया गया है नेशनल डायरेक्टिव के द्वारा, पूरे देश में जो गाइडलाइंस और दिशा निर्देश आए हैं उनके द्वारा, और ये कौन से हैं, कोविड 19 की मैनेजमेंट के लिए। तो एक नेशनल डायरेक्टिव अपने देश में चल रहा है, जिन मेजर्स को अगर आपने हाफ हार्टेडली अप्रोच किया इंप्लीमेंट करने में, अच्छा ये मेजर्स कौन से हैं पहले ये बताएगा, सच है जैसे कि वो वाले दोस्त जो कि हैं फेस कवर पे, फिजिकल डिस्टेंसिंग पे, पब्लिक के प्लेसेस में, शॉप्स में और एस्टेब्लिशमेंट्स में, दुकानों में और मॉल्स में, और स्पिटिंग करने पे है और इकट्ठा होने पे है बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर्स में। कह रहा है ये जो हाफ हार्टेड अप्रोच है ना, इसकी वह आ गई, कैन ओनली वर्सन द क्राइसिस। ये हाफ हार्टेड अप्रोच सिर्फ और सिर्फ क्राइसिस को वर्सन ही कर सकती है, इस आफत को और बुरा ही बना सकती है। कब, स्पेशली विद रिजम्पशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, खास करके रिजम्पशन के फिर से शुरू हो जाने के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, तो समझ गए ना। तो जैसे ही बसें, ट्रेन्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू हो रहा है, तो आधे मन से की हुई अप्रोच जो है, इन इंप्लीमेंट करने वाले मेजर्स को और क्राइसिस को वर्सन करेंगी, बुरा बनाएंगी। सेंटेंस में देखने वाली चीज, वर्सन, किसी चीज़ को बुरा बनाना। अब बुरा बनाने के दो सिनोनिम्स होते हैं, मैं क्या 5-6 बार बता चुका हूँ शायद पिछले 15 दिनों के अंदर, है ना, बार बार ये वर्ड आ रहा है। आप मुझे बताएंगे दो ऐसे सिनोनिम्स इस वर्ड के, वर्सन के, चीज़ों को बुरा बनाने के, जिनको याद है वही बता पाएंगे, जिनको याद नहीं वो कहाँ से बताएंगे, तो ज़रूर से मुझे बताना। दूसरी चीज़, स्पेशली स्पेशली में अपना दिमाग ना खपाएं, ना तो ये कोई सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट है, ना ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये सवाल भी अपना दिमाग मत खपाया करो, सर कब स्पेशली लगाना और कब स्पेशली लगाना है। आज की डेट में इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, ना ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में पूछा गया क्या आएगा इन दोनों के अंदर से, तो वेस्ट नहीं करना टाइम को अपने। चलो अब ग्रामर कॉन्सेप्ट है इसमें छोटा सा, अप्रोच टू इंप्लीमेंट क्यों नहीं लिखा हुआ है ना, आई वॉन्ट टू प्ले होता है, शी वॉन्ट्स टू गो होता है, वी नीड टू जो है ईट होता है, तो टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, एज अ जनरल आइडिया टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो यहाँ पे टू इंप्लीमेंटिंग क्यों आ गया। देखो इस चीज़ को बताने के दो तरीके हैं, मैं आपको ग्रामर सीरीज में ज़रूर बताऊँगा अच्छे से, अभी मैं आपको एक छोटी सी मैगी बना के देता हूँ। क्या है वो मैगी, आप ये समझ लो 15 ऐसे 20 फ्रेज हैं जिनके बाद में हमेशा हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, चाहे उनके बाद में टू लगाओ तब भी, समझ गए ना। इसका एक रीज़न है, रीज़न मैं ग्रामर सीरीज़ में आपको सिखा रहा हूँ, धीरे धीरे ये वाला टॉपिक भी हम करेंगे क्यों आता है। अभी आप ये समझ लो, ये सब के सब जो है ना, अपने बाद जब भी वर्ब लेंगे तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेंगे, जेरेंड को बना करके लेंगे। अगर ये नाउन ले रहे हैं, प्रोनाउन ले रहे हैं, तो कोई बात नहीं, अगर वर्ब ले रहे हैं तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही लेंगे। कौन कौन से हैं फटाफट पढ़ लो, क्रिटिकल टू, अप्रोच टू, अपोज टू, यूनिक टू, हैबिचुअल टू, एक्सटम टू, व्हेन इट कम्स टू, विद अ व्यू टू, ये जरूर देखना है ना, लुक फॉरवर्ड टू, की टू, एडमिटेड टू, रिसोर्ट टू, लीड टू एंड वैल्यूबल टू। ध्यान देना, ज़्यादातर इनमें से जो मैंने डार्क किए हुए ना, वो सब के सब एडजेक्टिव्स हैं। तो क्रिटिकल भी एडजेक्टिव है, अपोज भी एडजेक्टिव है, यूनिक भी एडजेक्टिव है, वैल्यूबल भी एडजेक्टिव है, की भी एडजेक्टिव है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि एडजेक्टिव प्लस में टू आए तो हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। देखो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका एक ही तरीका है, आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लो क्यों आता है, और उन सारे के सारे फ्रेजेस को एक एक बार देख लो। तो मैं एक लिस्ट है अपडेट करवाता जा रहा हूँ, इस लिस्ट को बना करके रखो, फिर से कोई फ्रेज आएगा तो इसी लिस्ट में आपको ऐड करवाऊंगा, ठीक है ना, इस लिस्ट को आपको हमेशा ध्यान में देना है अपने। चलो कह रहे सिटीजन्स हु हैव एक्सेप्टेड सीवियर कर्टेलमेंट ऑफ लिबर्टीज ड्यूरिंग द लॉकडाउन कैन बी परसुएडेड टू अडॉप्ट अ हेल्दी पब्लिक बिहेवियर कोड यूजिंग मेजर्स दैट आर सिविल येट फर्म। कह रहे सिटीजन्स जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है
बहुत ही बुरे से कंटेनमेंट को, काट छाट को, उनकी लिबर्टियों की, उनकी आज़ादियों की, लॉकडाउन के दौरान, ड्यूरिंग द लॉकडाउन। कह रहा है ये सिटीजन्स जो है ना, इनको परसुएट किया जा सकता है, इन सिटीजन्स को जो है मनाया नहीं जा सकता, मनाया जा सकता है, बहलाया फुसलाया जा सकता है, और क्या अडॉप्ट करने के लिए एक हेल्दी पब्लिक बिहेवियर को, एक ऐसा बिहेवियर करें पब्लिक में जो सबके लिए हेल्दी हो। अच्छा वो कौन सा बिहेवियर कोड हो, वो कैसे रूल्स हों जो कि ऐसे हों यूज़ करने वाले मेजर्स को जो कि हैं सिविल, और होने के बावजूद सिविल बहुत फॉर्म है, बहुत सख्त है। अब मैं सेंटेंस को रिपीट कर रहा हूँ सारे पीसीस को जोड़ के। सिटीजन्स जो कि एक्सेप्ट कर चुके हैं बहुत ही ज़्यादा कांट छांट को अपनी लिबर्टीज़ में, है ना, अपने को घर से बाहर नहीं जाना, बाहर जाओगे तो पुलिस मार भी सकती है आपको, तो ऐसी लिबर्टीज़ को जिन सिटीजन्स ने एक्सेप्ट कर लिया है इस लॉकडाउन के दौरान, इनको बड़े ईजिली मनाया जा सकता है कि अडॉप्ट करें एक हेल्दी पब्लिक बिहेवियर कोड को, एक ऐसे नियमों को जो हेल्दी होते हैं पब्लिक के अंदर। और कैसे परसुएट किया जा सकता है, यूज़ करते हुए ऐसे कदमों को जो कि बहुत सिविल हैं, बहुत ही नागरिक हैं, बहुत ही जो सभ्य हैं, और बावजूद सभ्य होने के बहुत फॉर्म है, बहुत सख्त है। तो प्यार से, आदर के साथ, पूरी इज्जत दे करके और पूरी शक्ति के साथ आप इनसे इन सारे के सारे कदमों को फॉलो करवा सकते हो। समझ गए सेंटेंस को, कर्टेलमेंट किसी चीज़ की काट छांट, कर्टेल से कर्टेलमेंट नाम का हमने नाउन बना दिया है। कटेल का मतलब ये होता है किसी चीज़ को काट छाट के छोटा करना, है ना। परसुएड का मतलब होता है किसी चीज़ को, किसी आदमी को या किसी चीज़ को मनाना। परसुएड के बाद में टू लगाते हो हमेशा, ही परसुएडेड मी टू गो टू द पार्टी, उसने मुझे परसुएड कर लिया, मना लिया पार्टी में जाने के लिए। अच्छा इसका जो एंटनीम है ना उसके बाद में फ्रॉम आता है, ही डिसुएडेड मी फ्रॉम नॉट गोइंग टू, फ्रॉम गोइंग टू द पार्टी, उसने मुझे मना लिया कि मैं पार्टी में ना जाऊं। तो परसुएड मतलब किसी काम को करने के लिए राजी करना, डिसुएड का मतलब है किसी काम को ना करने के लिए राजी करना। परसुएड अपने बाद टू लेगा, डिसुएड अपने बाद फ्रॉम लेगा। फ्रॉम लेगा तो वर्ब की एनजी फॉर्म आएगी, जैसा आपको पता है बाय डिफॉल्ट, फ्रॉम अपने बाद लेगा तो वर्ब की एनजी फॉर्म जेरेंट को ही लेगा। तो ये देखो ये बने बनाए कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको नोट करोगे ना बहुत फायदा मिलेगा, किसी नोटबुक में इनको लिखते जाओ फिक्स प्रपोजिशंस के नीचे। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे इवन विद द ईजिंग ऑफ द लॉकडाउन, अच्छा सेंटेंस है ध्यान से देखना, इवन विद द ईजिंग ऑफ द लॉकडाउन द सीवियर इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन कॉज्ड बाय लॉस ऑफ जॉब्स रिक्वायर्स गवर्नमेंट्स टू डेमोंस्ट्रेट एज मच कमिटमेंट टू मिटिगेटिंग मिसरी एज टू कंटेनिंग इन्फेक्शन। कह रहे यहाँ तक कि ईज हो जाने के साथ, किसके लॉकडाउन के, जो सीवियर इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन आया है ना, जो सीवियर बहुत ज़्यादा आर्थिक सिकुड़न आई है, कमी आई है, और जो कि कॉज्ड बाय है, जिसका कारण है नौकरियों का लॉस, है ना, लॉस ऑफ जॉब्स। कह रहा है ये जो रिस्ट्रिक्शन है ना इसकी वह आगे रिक्वायर्स, इसको है ज़रूरत, और किसकी, गवर्नमेंट्स डिमॉन्स्ट्रेट करें, दिखाएं उतने ही कमिटमेंट को किस चीज़ में, मिटिगेट करने में, कम करने में लोगों की मिसरी दुर्दशा को, जितना की है कंटेन करने का इन्फेक्शन को, कम करने का इसके फैलाव को, समझ गया ना। तो आप जितनी शक्ति से लॉकडाउन लगाना जानते हो उतनी शक्ति से लॉकडाउन को हटाने के बाद लोगों की आर्थिक रूप से मदद करना भी जानो, समझ गया ना सेंटेंस को। सेंटेंस में देखने वाली सब्जेक्ट वर्ब को बाद जो ग्रामर कॉन्सेप्ट है फटाफट देखें। ऊपर मैंने आपको बताया था कौन से ऐसे फ्रेज हैं जिनके बाद में टू आने के बावजूद अपने क्या लगाते हैं, अपने लगाते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो कमिटेड टू, कमिटमेंट टू, कमिटेड टू, है ना, इसके बाद भी आता है ना, देख लो यहाँ पे आया हुआ है, फिर से देखो कमिटमेंट टू, है ना। तो कमिटमेंट टू के बाद में मिटिगेटिंग लिखा है, मिटिगेट नहीं लिखा। बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, अगर ये फ्रेज आप याद कर लेते हो ना, ये क्वेश्चंस बहुत कम लोगों को बताते हैं इन क्वेश्चंस के जवाब, है ना। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं टू के बाद में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, अब वो खुले तौर पे बता रहा हूँ इन फ्रेज के बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। तो मिटिगेटिंग लिखा है, अब इस पर एक और चीज़ ध्यान देना, एज टू कंटेनिंग इन्फेक्शन, देखो मिटिगेटिंग मिजरी एज टू कंटेनिंग इन्फेक्शन, तो ये टू भी जो है ना कमिटमेंट टू का ही पार्ट है, कमिटमेंट टू कंटेनिंग इन्फेक्शन। तो यहाँ भी कंटेन नहीं लिखूंगा मैं, जैसे यहाँ मिटिगेटिंग लिखा यहाँ भी कंटेनिंग लिखा, समझ गए इस कॉन्सेप्ट को। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा जनरली यूनिवर्सल पीडीएस विद एडिक्वेट सप्लाईज ऑफ फूड ग्रेन एंश्योरिंग दैट नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड मस्ट बी प्रोवाइडेड इन ऑल स्टेट्स। कह रहा एक सही में यूनिवर्सल जो पीडीएस हो ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो, ये क्या होता है, जो गवर्नमेंट की राशन की दुकान होती है ना उसको कहते हैं पीडीएस। करेक्ट, सही में यूनिवर्सल हो, सब जगह अवेलेबल हो ऐसा पीडीएस, और कैसा, जिसमें एडिक्वेट सप्लाई हो फूड ग्रेन की, बिल्कुल उसमें एडिक्वेट मात्रा हो जो है फूड ग्रेन्स की। करेक्ट, इंश्योर करते हुए कि कोई भी लेफ्ट बिहाइंड नहीं होगा,
कोई भी पीछे नहीं छूटेगा। कह रहे ये जो पीडीएस है ना मस्ट बी प्रोवाइडेड, इसको प्रोवाइड किया ही जाना चाहिए। कहाँ पे? सब की सब स्टेट्स में, सब राज्यों में। समझ गए सेंटेंस को? पीडीएस को, ये सेंटेंस तो इतना ही है, पीडीएस मस्ट बी प्रोवाइडेड इन ऑल स्टेट्स। बीच में तो बता रहे हैं उसकी एडिक्वेट सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स की, और इंश्योर करते हुए करना है हमें कि कोई भी पीछे ना छूट जाए। अब इसमें फटाफट से ग्रामर कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये कहता है आप एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रियां बनाते हो, गुड बेटर जो है बेस्ट है ना, बैड वर्स द वर्स्ट। पर ये जो यूनिवर्सल है ना, और ऐसे कई सारे एडजेक्टिव्स हैं जिनकी ना कोई कंपैरेटिव डिग्री होती है ना कोई सुपरलेटिव डिग्री होती है। ये कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको एडजेक्टिव की वीडियोस में डिटेल में बताया था, सिर्फ आपको रिवाइज करवा रहा हूँ मैं। आप दो सेंटेंसेस को अगर आपने वीडियो देखी है तो फटाफट से मुझे अभी सॉल्व करके बताएंगे इनमें क्या एरर है, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। चलो देखो, मैंने लिखा दिस इज द मोस्ट परफेक्ट सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। मैंने आपको क्या बताया, कुछ एडजेक्टिव्स की सुपरलेटिव या कंपेरेटिव डिग्री होती नहीं। अगर परफेक्ट है ना, परफेक्ट तो ना तो कोई चीज़ मोर परफेक्ट होती है ना मोस्ट परफेक्ट होती है। परफेक्ट तो अपने आप में परफेक्ट है, उसमें ज़्यादा कम की बात नहीं होती। अब ये यूनिवर्सल, यूनिक, डेड, प्रेग्नेंट, राउंड, स्क्वायर, परफेक्ट, ये सब के सब ऐसे ही एडजेक्टिव्स हैं। ऐसे और भी एडजेक्टिव्स हैं, मैं डिटेल में आपको ग्रामर वीडियो में करवा चुका हूँ, मैं यहाँ डाल देता हूँ एडजेक्टिव वीडियो, आराम से देख लेना है ना, ऊपर डाल रहा हूँ या आई बटन में आएगी ऊपर। अब देखो ये सब अगर एडजेक्टिव की डिग्री नहीं लेंगे सर, तो हम कैसे बताएं कि ये चीज़ ज़्यादा परफेक्ट है? तो उसका तरीका क्या है, आप ये करो दिस इज़ द मोस्ट परफेक्ट है ना, इसकी जगह लगा दो दिस इज़ द ट्रूली परफेक्ट सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। अब ट्रूली का मतलब क्या है, वास्तव में परफेक्ट है ना। आपने इसके परफेक्शन को भी बता दिया, साथ में सुपरलेटिव या कंपेरेटिव डिग्री को भी यूज नहीं किया, ग्रामर का रूल फॉलो कर लिया। अच्छा इसकी जगह और क्या लगा सकते हैं, नियर परफेक्ट है ना। अच्छा और क्या लगा सकते हैं, जेन्युइनली, जेन्युइनली परफेक्ट। तो इस तरह से 2-3 एडवर्ब्स हैं इस तरह के एडजेक्टिव के साथ लग सकती हैं, पर इनके साथ मोर और मोस्ट नहीं लगता है। अब अगले में भी यही है, शी बॉट द मोस्ट परफेक्ट टेबल, मोस्ट स्क्वायर टेबल फ्रॉम द शॉप। दुकान में वो गई, उसने देखा मेरे को तो एकदम चकोर टेबल चाहिए, बिल्कुल चकोर हो, तो सबसे ज़्यादा जो चकोर थी उसने ले ली। एक्चुअल में जो चकोर लगी ना उसको सबसे ज़्यादा, एक्चुअल में वही चकोर थी, बाकी में तो किनारियाँ उसकी तीखी नहीं थी। तो कहने का मतलब या तो आप स्क्वायर हो या स्क्वायर नहीं हो, तो मोस्ट या मोर का कोई चक्कर नहीं बनता। तो यहाँ भी मैं क्या करूँगा, मोस्ट की जगह लगा दूंगा नियर स्क्वायर, या जो है ट्रूली स्क्वायर या जेन्युइनली स्क्वायर नाम से इस एडजेक्टिव को मैं यूज़ करूँगा। बस यहाँ भी यही हुआ है, जेन्युइनली यूनिवर्सल आया है, मोस्ट यूनिवर्सल या मोर यूनिवर्सल आप कभी नहीं लगाते हैं। क्वेश्चन आते हैं इस पर एग्जाम पे, जेन्युइनली इस पर क्वेश्चन बनते हैं, मोर या मोस्ट लगा के आपको सही करना होता है उनको। बढ़े आगे, कह रहे कैश सप्लीमेंट्स शुड रीच ऑल इंटेंडेड बेनिफिशरीज। कैश सप्लीमेंट जो हैं, कैश के अंदर पूरक, सप्लीमेंट क्या होते हैं, आपकी आय को, आपकी इनकम को जो पूरा करें है ना, तो कैश के अंदर थोड़ी सी मदद जो है, सप्लीमेंट है, उसको पहुंच जाना चाहिए सब उन बेनिफिशरीज के पास, उन लोगों के पास जिनको बेनिफिट की ज़रूरत है, और जो है इंटेंटेड, जिनके पास हमें भेजने की इंटेंशन है ना, तो कैश का सारा पैसा उनके पास पहुंच जाना चाहिए कैश में। रीच अपने बाद कभी भी टू नाम का प्रपोजिशन नहीं लेने का, तो रीच टू इंटेंडेड बेनिफिशरी गलत होता है, रीच के बाद में टू कभी भी ना लगाएं, आई रीच टू कोलकाता नहीं होता, आई रीच्ड कोलकाता ही बनेगा। दिस नीड्स टू बी अंडरस्कोर्ड एज सर्वेज ऑफ वर्कर्स हु लॉस्ट जॉब्स आफ्टर द पेंडेमिक इंडिकेट राइजिंग हंगर लेवल्स एंड मिसिंग फाइनेंशियल सपोर्ट। कह रहा है ये चीज़ को है ना अंडरस्कोर किए जाने की ज़रूरत है, इस चीज़ को हाईलाइट करने की ज़रूरत है, इस चीज़ पे सबका ध्यान खींचने की ज़रूरत है। कह रहा क्योंकि सर्वे जो हैं वर्कर्स के, अच्छा कौन से वर्कर, जिन्होंने लूज़ कर दिया अपनी जॉब्स को, जिन्होंने गंवा दिया अपनी नौकरी को इस पैंडमिक के बाद, इस महामारी के बाद, कह रहे ये सर्वे जो है ना इंडिकेट करते हैं, ये सर्वे हमें दिखाते हैं किसको, राइज होती हुई हंगर के लेवल्स को और मिसिंग फाइनेंशियल सपोर्ट को, बढ़ती हुई भूख को और गायब होती हुई आर्थिक मदद को। तो कह रहे इस चीज़ पे खास ध्यान हमें देना है, अंडरस्कोर किए जाने की ज़रूरत है। अंडरस्कोर समझ गए ना, किसी चीज़ पे खास ध्यान देना, हाईलाइट करना, अंडरलाइन करना, एम्फसाइज करना, सब इसके सिनोनिम है, आज मैंने लिखे नहीं है इनको। कह रहे सम सेक्शंस सच एज दलित्स, वीमेन एंड लो स्किल्ड वर्कर्स आर इवन वर्स ऑफ। कुछ सेक्शन जो है ना समाज के वर्ग हैं, जैसे दलित हैं, औरतें हैं, और कम स्किल वाले वर्कर्स हैं जो मैनुअल लेबर्स हैं, है ना, कह रहे वो और भी बुरी हालत में हैं, आर इवन वर्स ऑफ। अब ये वर्स ऑफ का मतलब क्या होता है, देखो वर्स के आगे ओ डबल एफ लगाने की जरूरत कहती है, समझना इसको। वर्स होता है बैड की कंपेरेटिव डिग्री, बैड वर्स द वर्स्ट, खराब
खराब से भी खराब और सबसे खराब। अगर मैं यहाँ पे वर्ड्स के आगे ऑफ निकाल दूँ, ऑफ निकाल करके रख दूँ यहाँ पे इसका खाली वर्ड्स को, तो इसका मतलब क्या होगा, ये बहुत बुरे लोग हैं। अच्छा ये बुरे लोग हैं क्या? नहीं बुरे लोग तो नहीं हैं, तो मुझे ये लिखना पड़ेगा आर इवन इन वर्स कंडीशंस, है ना। तो अगर मैं ये ना लिखना चाहूँ ना वर्स कंडीशन, तो मैं वर्स ऑफ लिख करके बता सकता हूँ इन अ वर्स कंडीशन। समझो इस चीज़ को, वर्स ओ डबल एफ का मतलब ये होता है आप वर्स कंडीशन में हो। ही वॉज वर्स ऑफ, शी वॉज वर्स ऑफ। इसका उल्टा भी होता है बेटर ऑफ। बेटर ऑफ का मतलब क्या है, वो बेटर कंडीशन में है, मुकाबले में ज़्यादा अच्छे बेहतर एडवांटेजेस पोजिशन के अंदर है। समझ गए ना। तो वर्स ऑफ बेटर ऑफ को इस तरह से हमेशा याद रखें। कह रहे फॉर द एल्डरली वल्नरेबल इंडिविजुअल्स एंड चिल्ड्रन बिलो 10, द सेंटर्स एडवाइस इज टू शेल्टर इन प्लेस इवन ड्यूरिंग द एक्सटेंशन फेस। कह रहे एल्डरली लोगों के लिए, ये कौन लोग हैं, जो एल्डर हैं, जो बड़े बूढ़े हैं ना, एल्डरली। कह रहे एल्डरली लोगों के लिए क्या, कह रहे वल्नरेबल चिल्ड्रन इंडिविजुअल्स के लिए, ऐसे इंडिविजुअल्स जो वल्नरेबल हैं, जो बीमारी के खिलाफ चपेट में आ सकते हैं, कमजोर हैं, और बच्चे जो 10 साल के हैं। सेंटर की एडवाइस क्या है फॉर इन लोगों के लिए, सेंटर की एडवाइस है कि वो शेल्टर करें, शरण लें इन प्लेस, अपनी जगह पे, इवन ड्यूरिंग द लॉकडाउन के रिलैक्सेशन फेज। लॉकडाउन के रिलैक्सेशन फेज के अंदर भी अपने घर से बाहर ना निकले, समझ गए ना। तो यही एडवाइस है, आप अपने घर के अंदर इन प्लेस शेल्टर बना करके रखें। एडवाइस में सी ई आ रहा हो तो ये होता है एक नाउन, अगर इसमें एस ई आ रहा हो तो ये होती है वर्ब। जब जब एडवाइस को मैं वर्ब की तरह यूज़ करूँगा तो ए डी वी आई एस ई होगा, नाउन की तरह यूज होगा तो ए डी वी आई सी ई होगा। आगे बढ़ते हैं। दिस इज मेडिकली साउंड एडवाइस बट कैन नॉट बी डन ओवर अ लॉन्ग पीरियड इन बिग सिटीज। कह रहे हैं जो ऊपर वाली एडवाइस है ना, मेडिकली बहुत साउंड है, ये चिकित्सा रूप से बहुत ही अच्छी एडवाइस है, लेकिन इसको नहीं किया जा सकता लंबे पीरियड के अंदर बड़ी सिटीज के अंदर। तो ऐसा नहीं है आप दिसंबर तक इन तीनों तरह के लोगों को घर से बाहर ना निकलने दो, भले ये बहुत अच्छी बात है लेकिन ये की नहीं जा सकती बहुत लंबे वक्त तक। अच्छा क्यों? कह रहे एज दे कैन नॉट एक्सेस गुड्स एंड सर्विसेज एट देयर डोर स्टेप, क्योंकि ये जो तीनों टाइप के लोग हैं ना, कौन से वाले, ये वाले एल्डरली और ये सब है ना, एल्डरली वल्नरेबल चिल्ड्रन, कह रहे ये एक्सेस नहीं कर सकते गुड्स और सर्विसेज को, चीज़ों को और सेवाओं को अपने घर के दहलीज पे, डोर स्टेप पे। अच्छा सिंपली बिकॉज, वो सिंपली इसलिए बिकॉज क्योंकि दे आर क्लासीफाइड एज नॉन एसेंशियल, क्योंकि इनको क्लासीफाई किया गया नॉन एसेंशियल की तरह। अब यहाँ पे थोड़ा सा रोक देना और मुझे बताना ये दे किसके लिए लगा है, ये दे किसके लिए लगा है। अंडरस्टैंडिंग लेना मेरे भाई, ट्रांसलेशन क्लास नहीं है ये, अपने दिमाग से निकाल दो इस भूत को, अंडरस्टैंडिंग की क्लास है। दे और ये दे किसके लिए लगे हैं आप मुझे बताएंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलो सेंटेंस एक बार रिपीट कर रहा हूँ तब आपको मालूम चलेगा, जिन लोगों को नहीं पता लगा अब पता लग जाएगा। ये बहुत ही अच्छी एडवाइस है लेकिन नहीं की जा सकती, कैन नॉट बी डन लंबे पीरियड में बड़ी सिटीज़ के अंदर, क्योंकि वो एक्सेस नहीं कर सकते गुड्स और सर्विसेज को अपने डोर स्टेप के ऊपर। किन के डोर स्टेप पे, अपने डोर स्टेप पे, मतलब यहाँ पे दे लगा के हम बता रहे हैं इस टाइप के लोगों की बात कर रहे हैं। तो इन लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज अपने घर की दहलीज पे नहीं मिलेगी, तो दे लगाए इस टाइप के लोगों के लिए। अच्छा आगे कह रहा है सिंपली बिकॉज, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि दे आर क्लासीफाइड एज नॉन एसेंशियल। अब ये दे इनके लिए नहीं लगा, ये इन लोगों को क्लासीफाई नहीं किया गया नॉन एसेंशियल, ऐसा नहीं कह दिया गया कि इन लोगों को नॉन एसेंशियल मानते हैं हम, ये जिए हैं हमारे। इसका मतलब ये है गुड्स एंड सर्विसेज आर क्लासिफाइड एज नॉन एसेंशियल। तो जो नॉन एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, किसी को बाल कटवाने हैं, है ना, ऐसा कुछ सैलून जाना है किसी को बियर खरीदनी है, तो ऐसा अगर काम आपको करना है नॉन एसेंशियल, तो ये कामों को नॉन एसेंशियल क्लासीफाई करने की वजह से इनके डोर स्टेप पे अवेलेबल नहीं होगा। तो ये जो दे लगा है ना, ये दे लगा है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए इनके लिए, और ये जो दे लगा है ना, ये लगा इन तीन टाइप के लोगों के लिए। देखो बहुत कन्फ्यूजन होती है लोगों को, मुझे नहीं पता दे को आप क्यों ऐसा मानते हो कि इंसानों के लिए ही लगता है, दे हर चीज़ के लिए लगती है जो भी प्लूरल हो, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे निर्जीव वस्तुएं हो। समझ गए, आगे बढ़े। कर द कोर्स ऑफ द कोविड 19 इन द वीक्स अहेड इज बाय नो मीन्स प्रिडिक्टेबल। जो रास्ता है ना इस बीमारी का आने वाले वीक्स अहेड में, वो किसी भी तरह से प्रिडिक्टेबल नहीं है, कैसे भी उसकी भविष्यवाणी, उसकी प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती। कह रहा है एंड द सेंटर रिकॉग्नाइजेज द पॉसिबिलिटी ऑफ न्यू रूरल क्लस्टर्स इमर्जिंग। कह रहा है और सेंटर रिकॉग्नाइज भी करता है पॉसिबिलिटी को, संभावना को, नए रूरल क्लस्टर्स के उभर आने की, इमर्ज होने की। अच्छा किस कारण से? कारण से ड्यू टू बहुत बड़े स्केल के रिटर्न ऑफ माइग्रेंट्स के, है ना, बहुत बड़े स्केल पे माइग्रेंट्स गाँवों में आएंगे, रूरल क्लस्टर बनेंगे इस इन्फेक्शन के,
और सेंटर भी बड़े अच्छे से पहचानता है इस संभावना पॉसिबिलिटी को। चलो आगे बढ़ते हैं। वेदर इन द सिटीज और द कंट्री साइड अनलॉक वन मस्ट प्रायोरिटाइज सम एक्शंस क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस। चलो इसको आगे पढ़ेंगे, पहले इतना पढ़ते हैं। हाँ के ना वेदर, हाँ के ना, शहरों में और कंट्री साइड में। कंट्री साइड क्या होता है? देखो कंट्री का मतलब होता है गांव। वैसे तो देश को कंट्री बोला जाता है, पर अमेरिका के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज में कंट्री का एक दूसरा मीनिंग भी होता है गांव, है ना। कंट्री म्यूजिक होता है गांवों का म्यूजिक, फोक म्यूजिक। तो कह रहे हाँ के ना, हाँ के ना क्या, सिटीज में और कंट्री साइड में गाँवों में अनलॉक वन जो है ना उसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए कुछ एक्शंस को, उसको वरीयता देनी चाहिए, प्राथमिकता देनी चाहिए कुछ हरकतों को। अब कौन सी है? कह रहे चाहे गांवों में हो चाहे शहरों में हो, ये वो हरकतें हैं सारी की सारी। कौन सी हैं? क्रिएट करना पब्लिक के अवेयरनेस को, सबको अवेयर करने को। अच्छा दूसरा कह रहे दैट वायरस इज प्रेजेंट, अवेयरनेस इस चीज़ की कि वायरस अभी भी जिंदा है। छूट मिली है लॉकडाउन से, वायरस ने छूट अभी तक आपको नहीं दी है। अच्छा दूसरा काम क्या है? रैंप अप करना टेस्टिंग को। रैंप अप एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है एक दर्जा ऊपर लेकर के आना, टेस्टिंग को और ज़्यादा करना, रैंप अप करना। अच्छा और क्या? प्रोवाइड करना हेल्थ सर्विसेज को। अच्छा और क्या? इंटेंसिवली मॉनिटर करना रिलीफ के मेजर्स को, बहुत अच्छे तरीके से निगरानी करना, विजिल रखना राहत के कदमों पे। तो ये सारे के सारे काम जो है ना ये अनलॉक वन को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, जो है गाँवों में हो चाहे शहरों के अंदर हो। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इनफैक्ट आज का ट्यूटोरियल में कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं बोलूँगा, इसको मैं 8 मार्क्स से दूंगा 10 में से। अब ये आपके लिए बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं बचेगा। फटाफट से साफ साफ ग्रामर के नोट्स बना लेना जो आपको बताए हैं, वोकैबुलरी के नोट्स बना लेना। अभी भी कोई लड़का ऐसी लड़की हो जो ये बोल रही हो सर आपके पढ़ाने के बावजूद मैं 70% इस आर्टिकल को नहीं समझी हो, तो मैं आपकी आपकी दिक्कत बता देता हूँ आपको। ये है सेकेंड गियर की गाड़ी, आप सेकेंड गियर में मेरे साथ पढ़ रहे हो, फर्स्ट गियर आपका अभी तक लगा नहीं है। फर्स्ट गियर किससे लगेगा? ग्रामर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग से। कहाँ से मिलेगी? चैनल पे मैंने जो प्लेलिस्ट बताई थी, बोल रहा हूँ मैं फिर से यही इलाज है, इस प्लेलिस्ट को शुरू से जाकर के देखो, 15-12 घंटे के अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये जो यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ना यही सब मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, वहाँ से पढ़ करके आओगे फिर यहाँ करोगे तो आपका रिविजन होगा। तो कोशिश करें सिस्टमेटिकली चलें, बाकी आपकी मर्जी है। खाली रीडिंग से बिना ग्रामर के कॉन्सेप्ट समझे बड़ा मुश्किल होगा आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स को स्कोर करना। अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर से बताएं कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मैं लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता हूँ, मेरी आदत नहीं है, वीडियो को लास्ट में बोल देता हूँ मैं, क्योंकि मैं नहीं बोलता हूँ ना तो चैनल की ग्रोथ कम होती है। तो बोल रहा हूँ आपको भाई थोड़ा हेल्प करना चैनल को ग्रो होने में। आज मैंने माइक नया लिया है, आपने एक्सपीरियंस कर लिया होगा नई वॉइस को, अच्छी लगी है कैसी लगी मुझे बताना। मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है इस माइक के साथ में, बताना मुझे कैसा इसका जो है फीडबैक है इस माइक का, पहले वाले माइक को यूज़ करें या बाद वाले को करें। चलिए अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, साइनिंग आउट।